और अभी हम नेत कर रहे हैं आसिफ भाई की और भाभी लोग ने किसकी करी है, भाभी ने किसकी करी? फैजी की नानी की, फैजी की नानी की करी, फैजियाबी की नानी की है। किसने? नानी, नानी नानी भाभी ने किया और मैंने आसिफ भाई सज्जाद भाई की दो। अच्छा, सज्जाद भाई की दो, अफजल 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 भाई, अम्मी ने अफजल भाई की। तो अब नेट करते हैं, फिर आपको मिलते हैं। वो देखिए बच्ची यहाँ पे कैसी प्यारी बच्ची है। सस्ती मार्केट लगी हुई है पंचरियाल में, लेकिन स्टाफ दे रहे हैं, स्टाफ दे रहे हैं पंचरियाल में। ये स्टाफ पंचरियाल में है, ये जो मटके में दुकान है उसके लिहाज से कम है। और ये सलासा ये जाना माना है, छोटी छोटी 10 रियाल 15 रियाल की मिल जाती है यहाँ से। और यही शॉप पे रहेंगे आप तो आपको महंगी मिलेगी बहुत। ये मस्जिद नमाज के बाद, हर नमाज के बाद जगह जगह से रहा था बढ़ जाते। अभी मैंने इतर पूछा, मोतिया का इतर था, बहुत प्यारा खूबसूरत था और खुशबू बहुत प्यारी थी। 10 रियाल की देखें बहुत से। ये नमाज के बाद लगाते हैं 10-12 अंदर आगे पैसे में डालते हैं, हर नमाज के बाद लगाते हैं। अच्छा, मैंने इतर पूछा था तो 10 रियाल के 3 इतर मोतिया के, बहुत अच्छी खुशबू थी उनकी। और ये भी देखें 5 रियाल के, ये रुमाल हैं बच्चों के छोटे छोटे से स्टाफ हैं पाकिस्तान में गिफ्ट ले जाने के लिए अपने प्यारों के लिए। ये 5-5 रियाल के हैं रुमाल, उसको टोपी वो रगाल जो है सऊदी रगाल लगाते हैं रुमाल जो उसको गोल्ड ब्लैक ब्लैक था वो भी है। और ये मैंने लॉकेट का भी पूछा था, उसमें खाने काबा बना हुआ था, चैन लॉकेट था, उसमें दाने थे यानी कि 10 दाने 12 दाने थे, 12 दाने और 10 रियाल का दे रहा था, यानी कि वो 2 डिस्काउंट पड़ लेते उस समय, 1 रियाल से भी कम पड़ रहा था। तो जब भी आपको लेना हो किसी ने तो ये आसानी से देख सकते हैं। ये सूट भी है पाकिस्तानी भाई कढ़ाई वाला, इस तरह की लंबी पूरी फुल मैक्सी, बच्चे के खिलौने वगैरह, ये पाउच है, ये सस्ते हैं। जो हम हरम की मार्केट में जाएंगे अंदर क्लॉक टावर वगैरह में या जरा तो वहाँ महंगे मिलते हैं, इस तरह से सस्ते हैं। 10 रियाल हम हरम में पहुँच चुके हैं और नीचे जा रहे हैं और तवाफ करेंगे, फिर उमरा करेंगे, अपना चलते हैं फिर अंदर की तरफ उमरे करने, उमरा करने। पाकिस्तान से इंडिया से जो मेरी बहनें आए उमरा करने, कांच की चूड़ियाँ पहन के बराह मेहरबानी नहीं आए, क्योंकि मैंने कितने हादसा देखे कि कांच की चूड़ियों में पहने होते हैं लोग और फिर उन्हें हजरे असद का बोसा भी लेना है, मुल्तजिम में भी जाना है, हर जगह पर वो भीड़ में घुस जाती हैं और फिर उनकी चूड़ियाँ टूटती हैं, फिर वो खुद भी ज़ख्मी होती हैं और दूसरे ज़ाहिरीन भी ज़ख्मी होते हैं। तो बराह मेहरबानी मेटल की चूड़ियाँ पहन के या उससे प्लास्टिक के कड़े या दूसरे वहाँ पर जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं वो पहने, कांच की चूड़ियाँ बिल्कुल ना पहने। आपने आपको भी गुनाह से बचाएं और दूसरों को भी अजियत से बचाएं, क्योंकि यहाँ पर हमें आए हुए 1.5 महीना हो गया, हमने अभी तक इधर सबका भरोसा नहीं दिया। जब भी करीब जाते हैं इतना रश होता है, इतना रश होता है कि हम करीब जा ही नहीं पाते। और हमें मना किया गया कि ज़्यादा रश में नहीं घुसिएगा आप, किसी को अजियत दे के कि जन्नत को पाने आप या वैसी अपनी भाई से खुशी या मसरत बने नहीं, इसी से हम लोग नहीं जा पा सके हैं। बस सब बहुत निज़ाम माशाल्लाह बहुत अच्छा है यहाँ का सऊदी अरबिया का। ये आज क्या कोई चीज़ बन रही है क्या, खाने काबा की तरफ देखे सकते हैं आप, जूम करके दिखाऊं मैं, क्या नया समझ में नहीं आ रहा अभी मेरे, क्यों चकोर से तो लगाया है उन्होंने, शायद कोई काम वाम हो रहा है कुछ, तो देखें आप। अभी हमने भी यही देखा है, सब कुछ अच्छा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा इंतज़ाम है यहाँ का। बस एक ये है कि क्या पता मेरी आवाज़ इनकी सऊदी गवर्नमेंट तक पहुँच जाए कि खवातीन के लिए भी हजरे असद को बोसा लेने का कोई टाइम हो, जैसे इन्होंने हर टाइम बनाया हुआ है यहाँ का कि भाई नमाज असर के बाद, फजर के बाद या तहज्जुद के बाद इतनी खवातीन आ जाएं या लाइन लगा लें उनको भी बोसा दें। हर वक्त जेंट्स होते हैं वहाँ और कुछ औरतें ऐसी हैं कि उनके साथ जेंट्स में घुस भी जाती हैं बोसा देने के लिए, मगर हम लोग यानी कि कितनी लड़ाई औरतों को मैंने देखा कि हाथ जख्मी हो गए इनके, वो हो गए भाई, ये कैसे हुआ कि भाई हजरे असद को बोसा देने जाते वहाँ ये हो गए इस तरह से। तो इसी ऐसे
कल से अभी बारात की रात है, कल भी हम लोग माशाल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जो है ना हम यहाँ पर पूरी रात गुजारेंगे। तो आप लोग से गुजारिश करते हैं कि जिसको दुआएं करना है, करवाना है, तो अपनी अपनी दरख्वास्त जो है कमेंट बॉक्स में लिखवा दें, तो हम ताकि आपके लिए दुआएं नाम लेकर कर सकें, क्योंकि कल यहाँ पर बहुत बड़ी शब बारात की रात है हम लोग की बात है, जहाँ पर गुनाह कल की रात जो है गुनाह जिसके यानी कि गुनाह भी बख्शे जाते हैं और किसको औलाद देना है, रिस्क देना है, बरकत, तो ये सब सारा हिसाब किताब होता है। तो ये जो है ना, तो आप लोग जो दुआ है, हाँ तो मैंने दिखा भी दिया ब्लॉग में, तुमने इतनी लेट देखा है सर, तो ये है कुछ काम वाम हो रहा होगा, तो आप लोग दुआ में कमेंट्स अपनी बता दीजिए कि आपका नाम लेके क्या दुआ की जाए, जिसकी औलाद की, रिस्क की, बरकत की, जो भी है। कल हम लोग यहीं पर ही होंगे, तो हम कल से पहले आप लोग बता दीजिएगा तो अगर आपके लिए दुआ, वैसे तो हम रोज़ ही हरम में आते हैं, मगर कल बड़ी रात है इबादत की और दुआओं के लिए, तो इसीलिए सही है। चलो हम अपना चक्कर, हरी लाइट आने वाली है, हम अपना तवाफ़ शुरू करेंगे, तो आपसे फिर मिलेंगे देखें तवाफ़ के बाद। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। ये बाद सवा का ब्लॉग है, मगर मैं चलो मैं भी कुछ बताती चलूँ यहाँ पर। देखिए ये काम चल रहा है यहाँ पर, जब भी इन्होंने वो लगाया हुआ था यहाँ पे काम चल रहा था, तो ये देख सकते हैं आप, ये पूरा साइड बन के रखा हुआ है, छोटी सी बच्ची दवा कर रही है, लड़कों को बना दो बच्चे और बड़ी सही आ गई बिल्कुल, है ना, माशाल्लाह। मिलाल आ गया, दोबारा से कि अब मैं यहाँ जाती हूँ और जैसे क्या मंजर यहाँ का कितना खूबसूरत लग रहा है, और हम सुबह 1 बजे के निकले हुए थे, अब यहाँ के देख सकते मगरिब हो गई है, 7 बजे, हाँ अब होया हमारा कमरा कम्प्लीट, और यहाँ की रौनक देखें माशाल्लाह, पूरा पीछे बन रहा मस्जिद। तो अभी हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं अपनी, हाँ हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, तो इसी ब्लॉग को इधर से एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपका ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आज का ब्लॉग मैंने नहीं बनाया, अम्मी ने बनाया है, यानी अम्मी ने आज ब्लॉगिंग करी है, तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। अम्मी का ब्लॉग आपको पसंद आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि अम्मी के हाथ से और ब्लॉग बनाऊँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, जब तक के लिए बाय।